इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सेशन कोर्स है जो इसमें आपका टाइम टेबल क्या है, क्लासेस कितनी होती हैं और क्या मुझे भूल ही गया मैं क्या बोलना था तो हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं और क्लासेस की क्या ड्यूरेशन है वगैरह। और इसके अलावा इसमें ये भी बताएंगे आपको कि सेमेस्टर के एंड में या फिर ईयर के एंड में आपको ब्रेक मिलता है। हेलो, वेलकम टू फ्लाइंग विद। काफ़ी दिनों बाद बहुत लेट व्लॉग बना रहा हूँ, तो आज का व्लॉग मैं कुछ कोर्स के ऊपर बना रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन एंड नेटवर्किंग कोर्स है जिसका कोड है T860। तो हम जा रहे हैं, हम कहाँ गया, ये रहा साथ में। हाँ भाई, हम जा रहे हैं रिवर साइड। हाउ आर यू, होव यू मिसिंग, होव यू मिसिंग, देख रहे हो संघर्ष। देखो भाई, ये रिवर साइड जा रहे हैं हम एक बार। नहीं नहीं कटेगी, अरे नहीं यार वो बेइज्जती हो जाएगी। क्या कर रहा है, बेइज्जती है यार। तब रिवर साइड जा रहे हैं हम, रिवर साइड जा रहे हैं, वहां जाके बनाएंगे इसका व्लॉग, क्लासेस भी दिखाएंगे, क्या कोर्स है, टाइम टेबल क्या है, सब कुछ। अभी हमारे पेपर्स एग्जाम तो वो अगले हफ्ते होने ही वाले हैं, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं भाई, सारे हमारे अप्रैल में बना रहा हूँ ये व्लॉग में। तो भैया बात यह है कि हम पास अच्छे मार्क्स थे, वैसे ही एग्जाम से पहले ही हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है हमारे कितने परसेंटेज बन रही है। ये इंडिया के जैसे नहीं है, यहाँ की आपको सिर्फ फाइनल एग्जाम के उससे ही आपको पास या फेल करेंगे, नहीं आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स और क्या क्विज के मार्क्स। इसमें ऐसा है कि बोनस मार्क्स भी आपको मिलते रहते हैं क्लास में, अगर आप डेली अटेंड करते हैं तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। तो क्लासेस भैया अटेंड तो करनी पड़ती हैं सारी की सारी, अगर आपको एक ही क्लास में है लेकिन हम दोनों का सेशन अलग अलग है। जो ट्यूजडे को बिजी होता है मैं ट्यूजडे को फ्री होता हूँ, जिस दिन जेब बिजी होता है जिस दिन उस दिन मैं फ्री होता हूँ। आज हमारे पास दोनों का ऐसा समय कि दोनों ही फ्री हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। गुड फ्राइडे है, आपको कॉलेज दिखाएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे, व्लॉग व्लॉग और सीएसटी है। तो इसका रीजन यही है कि मैं व्लॉग कोर्स के ऊपर अप्रैल में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मतलब यार स्टार्टिंग में आते ही मैं बना देता तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस था नहीं कैसे क्लासेज होती हैं, क्या कुछ मार्क्स वगैरह कैसे मिलते हैं। तो अब कोर्स मेरा एंड होने वाला है, बस फाइनल एग्जाम बाकी है, तो मेरे को पता चल गया लगभग कि कैसे क्या कुछ होता है, इसलिए मैं अब अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, अच्छे डिटेल दे सकता हूँ, जितना होगा मैं दूंगा डिटेल वीडियो में। कोर्स का नाम है कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन एंड नेटवर्किंग और इसका कोड है यहाँ पे T860। इसकी ड्यूरेशन जो है वह 2 ईयर्स की है, लेकिन 16 मंथ्स में जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 6 मंथ का हमारे पास स्कोप होता है, जैसे उसमें प्लेसमेंट वगैरह मिलती है कॉलेज की ओर से। हाँ जी, जैसे ना इंडिया में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, यहाँ होता है 4 महीने का। हमारा एक एग्जाम तो हो चुका है और इतनी जल्दी हो गया हमको पता भी नहीं चला, कब चला गया। और एक सेमेस्टर में पांच सब्जेक्ट हमारे मेन है, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, HTML एंड CSS और उसके अलावा एक्सेल का मतलब वो है, एक्सेल यूज़ करना चाहिए उसमें तो बेसिक्स है, और मैथ। क्लासेस ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना इसी कोर्स में, कॉलेज में सबसे ज़्यादा, कम से कम 200-250 तो होंगे आराम से। और कितने सेक्शन है, 11 सेक्शन है इस कोर्स के, 11 सेक्शन है लगभग, ऊपर नीचे भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। और हर सेक्शन के शेड्यूल अलग अलग है, मतलब कई सेक्शनों की क्लास 4 दिन होती है, मेरे सेक्शन की 5 दिन होती है क्लास, मेरी भी 5 ही है, लेकिन मेरी मंगलवार जो क्लास है वो 2 घंटे की होती है, तो वो पता नहीं चलता कब चली जाती है, तो हमारी 4 दिन ही होती है एक साथ की। बाकी भाई टोटल क्लासेस होती हैं हफ्ते में 11 क्लासेस होती हैं, मतलब मैथ की 3 क्लास होती हैं 1-1 घंटे की होती हैं वो, नेटवर्किंग की 2 क्लास होती हैं, एक लैब होता है और एक दिन होती है क्लास जिसमें लेक्चर दिया जाता है, ठीक है। और फिर आते हैं प्रोग्रामिंग पे, प्रोग्रामिंग की वीक में 2 बार होती हैं क्लास, और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सिखाया जा रहा है जावास्क्रिप्ट, और ठीक है। तो इसके बाद आता है मैथ, मैथ है बिल्कुल बेसिक भाई, जो 11th 12th में करके आए ना इंडिया से, बिल्कुल वही है, वही होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हमको जगह मिल चुकी है जहाँ पर हम बैठ कर वीडियो बनाएंगे। तो बाकी वही नेटवर्किंग का हो गया, प्रोग्रामिंग का हो गया, मैथ का हो गया, बाकी बचे दो सब्जेक्ट हैं HTML CSS और एक्सेल की वीक में एक ही दिन क्लास होती है, वो होती है 2 घंटे की, हाँ 2 घंटे की क्लास होती है, फिर
और HTML CSS की होती है दो दिन क्लास, वो भी दो दो घंटे की होती है। HTML CSS सीधी लैब में होती है, प्रोग्रामिंग भी लैब में होती है और एक्सेल भी लैब में होती है। कहाँ जा रहा है? यही था भाई, अभी रुक जाओ। ChatGPT क्या है? ChatGPT बता भाई। नहीं भाई मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ChatGPT एक चीटिंग करने का है हमारा, वो हुकम का या फिर कॉपी करने का एक जरिया है। कई बार असाइनमेंट वगैरह ना करने का मन करे तो या थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं आप उससे, लेकिन थोड़ी बहुत जहाँ पर ना एक चीज होती है प्लैगरिज्म, वो बहुत जल्दी पड़ जाता है अगर हम कॉपी किसी का कर लेते हैं ना मटेरियल। तो चीटिंग भी देख वो होती है ना, नकल की नकल चीज होती है। हाँ, वो बिल्कुल जहाँ पर चलती है। यहाँ कई सारे लोग भाई चीटिंग करके ले गए, ChatGPT से कॉपी करके ले गए, क्लास में जाके पकड़े गए। तो एक और जरूरी सूचना तो ऐसा है भाई कि ये ना यहाँ मतलब जो जनवरी इनटेक में है इस कोर्स में, उनका सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में गैप नहीं है, जो आप ब्रेक चाहते हो ना वो चीज़ नहीं होती यहाँ। तो सितंबर इनटेक में आए, जिनका सितंबर इनटेक में कोर्स स्टार्ट हुआ है, उनका उनको ब्रेक मिल जाता है, 4 मंथ का ब्रेकआउट मिल जाता है। उसमें वो लोग ब्रैम्पटन वगैरह या किसी और सिटी में जाकर अपनी फीस निकालने के बारे में सोचते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। ब्रैम्पटन जो जिन लोगों का ड्रॉप मिल जाता है, हमारा जो जनवरी इनटेक है तो हमारा ड्रॉप नहीं है। तो अभी जैसे हमें मार्च ब्रेक मिला था, बस एक वीक था वो, तो ऐसा शायद मिल जाएगा एक कोर्स के एक सेमेस्टर के एंड में, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 4 महीने का ब्रेक मिल जाएगा जो जनवरी इनटेक में आए हैं उनका। ऐसा भाई क्लासेस और दिखा देता हूँ मैं, मेरे पास है ना कुछ क्लिप्स पड़ी हैं, क्लास रूम्स वगैरह दिखा दूँगा, तो उसकी क्लिप्स मैं वो डाल दूँगा आपके लिए। और कोई डिटेल चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। तो भाई अब हम है ना फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार। जैसे अभी एक लेडीज आ रही थी, तो वो बोली मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा था, तो आगे बोली तुम दोनों खींचनी हो तो मैं खींच लेती हूँ। आगे से आगे इंडिया में तो होता भाई, बुलाए तो ना आते यहाँ, देख रहे आगे से आगे कह रहे हैं मतलब फोटो खींचनी है तो बताओ, मैं बोला खींच दो यार थैंक यू। फिर ये कह रहा उनको कि आपके साथ खींच वाले भाई काफी अच्छे लोग हैं, मेरे पास क्लिप वो फोटो पड़ी हुई लगाता हूँ इसमें। वीडियो बना रहे थे व्लॉग की, और एक उसको देख लो रील ऐसे बनती है, रील रियल स्ट्रगल मैन बिहाइंड द रील। वो देख रहे हो रील बनाता रहा था कहाँ चला गया। ओ माय गॉड, रिवर साइड पे करने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरे पीछे एक फिशिंग कर रहा है, यहाँ बोटिंग वगैरह भी हो रही है, और पीछे वो रखी है फेरी होती है जैसे ना, और पीछे अरे क्रूज दिख रही है तो बड़े वाली कहाँ गई, इस क्रूज की बात करते हैं। अब फील आने लगे कि करंट आ रखे है सच में ना, अभी तो फोरस में लगे, अभी दिल खुश हो गया यार। यार वो नहीं मतलब जो अभी नेचर हो रहा है ना, मतलब इससे कह रहा हूँ कि मतलब अब तक ऐसा फील हो रहा है कनाडा में आए हैं। नेचर तो कनाडा का दो दो घंटे में चेंज हो जाता है, सुबह कुछ बारिश हो रही होती है, शाम को फोग पड़ रहा होता है कभी भी को, अभी चलो स्नो तो नहीं पड़ेगी, स्नो का तब समय गया अभी, वो अमेरिका है और ये मतलब वे बहुत तेज है यार देखियो। ओए होए इसकी बात भी सुन लो क्या कह रहा था। अरे मैं कह रहा हूँ कितना समय लगता है आपको व्लॉग बनाने में, और आप लोग फिर भी लाइक कमेंट ना करो तो कितना बुरा लगता है। ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको एक 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 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कॉलेज की कोर्स की, आपको कुछ भी जानना हो।